बिहार कोलेरी कामगार यूनियन के तत्वधान में कुसुंडा एरिया चेक कार्यालय के समक्ष हुड़का जाम आंदोलन के तहत कुसुंडा के क्षेत्रीय कार्यालय में रोष पूर्ण घेराव कर सभा का आयोजन किया गया। सभा में सैकड़ों की संख्या में बिहार कोलेरी कामगार यूनियन के कार्यकर्तागण उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए बिहार कोलेरी कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव हरि प्रसाद पप्पू ने बताया कि आज केंद्र की सरकार एवं कोल इंडिया प्रबंधक द्वारा मजदूर विरोधी नीति अपनाकर समस्त कोल उद्योग को आउटसोर्सिंग की ओर ले जा रही है, जिस कारण कोयला उद्योग में एक नया माफिया को जन्म दिया है, जिस कारण धनबाद में आए दिन खून खराबा आम बात हो गई है। हुड़का जाम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न कोलियरियों से हजारों मजदूरों ने यहाँ आकर आज हम 53 सूत्री मांग पत्र प्रबंधन को दे रहे हैं और ये मांग करने आए हैं कि ये हमारा जो मांग है न्यायोचित मांग है, इस मांग को आप गंभीरता से ले, यथाशीघ्र पूरा करें, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते हैं कि यह क्षेत्र अशांत हो, उत्पादन उत्पादकता पर असर पड़े। इस चीज को प्रबंधन को हमारी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए, हम शालीनता से पेश आ रहे हैं। यदि 15 दिनों के अंदर यहाँ के प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दिया तो बाध्य होकर हमको रेण क्षेत्र में उतरना होगा, आंदोलन में जाना होगा, चक्का जाम में जाना होगा, जिसका तमाम जिम्मेवारी कोयला भवन से लेके एरिया प्रबंधन की होगी। यह नोटिस आज हम लोग यहाँ पर देने